हेलो माय नेम इज़ निधि रावतिया एंड मैं भोपाल में एक एन चलाती हूँ जिसका नाम पहल एक प्रयास है जब मैं स्कूल में नाइन्थ क्लास में थी तब से मैं भोपाल के अलग अलग एन में काम कर रही हूँ तो इस दौरान मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला तो मैंने सोचा क्यों ना एक खुद का एन खोला जाए तो फिर मैंने पहल खोला पहल का मतलब होता है किसी अच्छी चीज़ की तरफ किसी अच्छे चेंज की और एक इनिशिएटिव लेना जी पहल जो है वो पूरा इन्वायरमेंट के लिए काम करता है तो पहल का काम होता है कि भोपाल में जितने भी कचड़े वाली जगह है या जो भी पार्ट्स हो गए जहाँ लोग कचड़ा फेंक के चले जाते हैं हम बेसिकली वो कचरा इकट्ठा करते हैं और उनसे ही हमारा पहल चलता है तो पहल जो है वो भोपाल के अलग अलग पार्ट्स को टारगेट करता है इसमें हम जितनी भी प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं और कचड़े का सामान होता है हम उन्हें उठाते हैं और हम उन्हें लोकल कबाड़ी वाले को बेच देते हैं इनसे जो हमें पैसे मिलते हैं उन्हें हम फ़ंड की तरह यूज़ करते हैं और हम बच्चों की एडुकेशन में प्रोवाइड करते हैं और आधा इन्वायरमेंट में लगाते हैं इसकी थी और इसकी लोग हुए इसकी में आ, पहल की शुरुआत हुई थी तकरीबन डेढ़ साल पहले जब मैं और मेरी एक दोस्त हम पार्क में बैडमिंटन खेल रहे थे तो हमने देखा कि एक चिड़िया वहाँ फंसी हुई है तो चिड़िया जो थी वो प्लास्टिक की बोतल में फंसी हुई थी हमने उस चिड़िया को रेस्क्यू तो कर लिया था मगर हमने उसको जब ध्यान से देखा तो हमने देखा कि चिड़िया के जो पंख हैं वो कट गए थे तो हमें बहुत हेल्पलेस फील हुआ फिर हमने सोचा क्यों ना हम चिड़ियाओं के लिए कुछ करें तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कचड़े इकट्ठा करते हैं हम प्लास्टिक की जो बॉटल जो अच्छी यूज़ की होती हैं हम उन्हें रिसाइकल करते हैं और उनका बर्ड फीडर बनाते हैं और उनमें दाना पानी रख के चिड़ियाओं की हेल्प करते हैं जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे कॉलेज के पास एक स्लम था तो मैं देखती थी कि हम के बच्चे ऐसे घूम घूम रह रहते हैं उनको पढ़ने का तो मन था बट उनको एक सही डायरेक्शन नहीं मिली थी तो मैं और मेरे कुछ मैंने अपने दोस्त इकट्ठा किए फिर हमने सोचा कि हम क्यों ना इनकी हेल्प करें तो मैं और मेरे दोस्त जाके उनको वीक में तीन दिन हम उनको ट्यूशन्स देते थे और उनके जितने भी स्टेशनरी का सामान होता था हम वो जो कबाड़ी में जो कचरा बेच के हमें पैसे मिलते थे हम उन्हीं के थ्रू उनको स्टेशनरी प्रोवाइड करते थे अब तक हम सिक्सटी फाइव प्लस बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर चुके हैं उनके ट्यूशन्स में हेल्प करके हम बेसिकली हम खुद ही फंड नहीं मांगते क्योंकि हमारे पास इतना कचरा आ जाता है हमारी कोशिश ये रहती है कि हम फंड का यूज़ ना करें मतलब हम फंड ना मांगें क्योंकि अगर कोई भी अगर हम किसी से फ़ंड मांगेंगे तो जैसे आप भी हो गए तो आप एक लिमिट तक देंगे बट ऐसे हर बार कोई नहीं देता तो हम सोचते थे कि हम क्यों ना कुछ ऐसा इनकम जनरेट करें जिससे हमारी हेल्प हमेशा होती रहे तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम कबाड़ ही बेचें इससे हमारा शहर भी साफ़ रहेगा और हम इसमें अच्छा चेंज भी ला सकते हैं आ, हम अगर एक पार्क की बात करें तो हमें एक पार्क पर साढ़े से चार कुछ मिल जाते हैं सफ़ाई करके आप आप लोग वीकली ड्राइव हैं कवार, जी हाँ हम लोग मोस्टली वीकेंड्स टारगेट करते हैं सैटरडे संडे जब सबका ऑफ़ रहता है तब हम जाते हैं और तभी सफाई करते हैं को आप है, आ, बच्चों को हम जैसे कि कुछ एक्सपेंसिव स्टेशनरी आइटम्स होते हैं जैसे ज्योमेट्री बॉक्स हो गया आ, बड़ा चार्ट रूल पेपर हो गए चार्ट हो गया मैप्स हो गए मैप का जो किताब आती है वो हो गई तो हम उन्हें ये सब प्रोवाइड करते हैं की की बात की है जो आप, जो आप आप अच्छा हैं प्लास्टिक के लिए हम जैसे मैंने आपको बताया था कि हम प्लास्टिक की बॉटल इकट्ठा करते हैं तो इनमें जो हमें इनमें जो हमें अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक मिलता है जैसे कि एक बॉटल हो गई जैसे ये पढ़े जैसे ये एक बॉटल हो गई तो हम इसे रिसाइकल करते हैं हम इसमें एक होल करते हैं जिससे चिड़िया आ सके और इसमें उनका दाना पानी रखते हैं हम और फिर यहीं चिड़िया आती है अपना दाना पानी लेती है बस पहल के थ्रू हमारी कोशिश यही है कि हमारा जो शहर है वो साफ़ सुथरा रहे और हमारे जो आसपास के बच्चे हैं जैसे स्लम्स के बच्चे हो गए जिन्हें एडुकेशन में प्रॉब्लम होती है सिर्फ ट्यूशन न जाने के कारण तो वो भी अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई करें और ऐसे ही हमारा भोपाल आगे बढ़ते रहे